अच्छा, एक एक मरतबा एक ऐसा हुआ कि एक फिल्म का सीन था जो शूट करना था, तो उस फिल्म के सीन के लिए इमिग्रेशन काउंटर दिखाना था। बिल्कुल। पता है हमें कितने, जो पूरा स्टाफ था ना हमारा, कम से कम भी 25 से 30 लोग, 10-12, तो उसमें से कम लोग सेलेक्ट किए गए, 7-8 लोग सिर्फ उन्हीं के NIC अंदर गए, ठीक है, जिसे आधार कार्ड कहते हैं इंडिया में, तो उनके NIC अंदर गए, तो वहाँ पर हफ्ते, हाँ आईडेंटिटी कार्ड, हाँ, तो वो बाकायदा एक हफ्ते बाद हमें परमिशन दी गई कि हाँ भाई ठीक है आप लोग आ सकते हो, वो भी सबके सिलेक्टेड पीपल, उसमें से भी बड़े इश्यूज हुए। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं उनकी जितनी हो सके खिदमत करें। तो दोस्तों आज की वीडियो है हमारी दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का टूर। अच्छा, वैसे हमने पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट पे वीडियो बनाई है, नहीं बनाई इससे पहले? मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो पे बनाई थी। सो आज हम टूर करेंगे टर्मिनल 3 का। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिल्ली मेट्रो पे है या एयरपोर्ट पे? दिल्ली एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पे नहीं बनाई, उस पर मेट्रो पे बनाई है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सजेस्टेड थी, बहुत रिक्वेस्टेड थी, और अभी तक मैंने भी नहीं देखा है दिल्ली एयरपोर्ट, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बल्कि हमारे लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 टूर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिपार्चर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के डिपार्चर और अराइवल का है। इस वीडियो को मैं उन सबके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने IGI टर्मिनल 3 एयरपोर्ट अंदर से कभी नहीं देखा है, या फिर वो दिल्ली से फ्लाइट लेने वाले हैं या वापस फ्लाइट लेकर दिल्ली आने वाले हैं। हमारे वीडियोज अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। क्या व्यू है, सजेशंस और फीडबैक देने के लिए हमारी वीडियो में कमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको पहले डिपार्चर का सेक्शन दिखाऊंगा जहां से आप फ्लाइट पकड़ कर अपने डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, और उसके बाद मैं अराइवल सेक्शन दिखाऊंगा जहां पे हम इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद इमिग्रेशन चेक करा कर अपने लगेज लेने जाते हैं, और फिर वहां से हम एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। ये IGI का ड्यूटी फ्री सेक्शन है, यहाँ पे GST या टैक्स नहीं लगता है। अगर आप परफ्यूम खरीदते हैं, लिकर, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, जो भी यहाँ पे इस सेक्शन में मिलते हैं, ये कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री होता है। मेरा फेवरेट है शनाल। ड्यूटी फ्री सेक्शन में एंटर करने से पहले आपको अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है, और फिर जाकर आपको अपना सिक्योरिटी चेकिंग क्लियर कराना होता है, फिर जाकर आप अराइवल के इस सेक्शन में पहुँच पाते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली वो है, जिसका जो लोअर फ्लोर है वो अराइवल का सेक्शन होता है, और जो अपर फ्लोर है वो डिपार्चर का एरिया होता है। इस टर्मिनल में 168 चेक इन काउंटर्स हैं, तकरीबन 78 एरो ब्रिजेज हैं, 48 कॉन्टैक्ट स्टैंड हैं, 54 पार्किंग बेज है, 95 इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, 15 एक्सरे स्क्रीनिंग एरियाज हैं, जिसकी वजह से आपको कम वेट करना पड़ता है। और बाकी जो सेक्शन है यहाँ पे ड्यूटी फ्री और शॉपिंग एरिया है, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम ट्रैफिक और कार्गो की बात करें तो ये इंडिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। 3 जुलाई 2010 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था ऑफिशियल, और जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन सबको शिफ्ट कर दिया गया था लेट जुलाई 2010 में, और जितने भी फुल सर्विस डोमेस्टिक कैरियर्स हैं उनको नवंबर 2010 में टर्मिनल 3 में शिफ्ट कर दिया गया था। एयर इंडिया, जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, ये जो सारे फ्लाइट है डोमेस्टिक फुल सर्विस एयरलाइंस जो हैं, ये सारे टर्मिनल 3 से ऑपरेट करते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हब है एयर एशिया इंडिया का, एयर इंडिया का, अलायंस एयर का, गो एयर का, इंडिगो का, जेट एयरवेज का, क्विक जेट एयरलाइंस का, स्पाइस जेट, विस्तारा और जूम एयरलाइंस का। प्राइवेट भी होंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि इस एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल है, अगर आप उनसे पूछ रहे हैं तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या सेक्शन है, कहाँ पे। अगर आपको फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि 2017 में वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2017 में, मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों को ही।
अगर आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहे हैं, चाहे वो टर्मिनल 1 से जाएँ या टर्मिनल 2 से या टर्मिनल 3 से, सभी टर्मिनल्स में आपको इन्फेंट एंड टॉडलर्स के लिए डे केयर रूम्स अवेलेबल है, व्हीलचेयर फैसिलिटी अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट के लिए अलग से कंटेनर्स मिलते हैं आपको कि आप पेट को अपने साथ ले जा सके, इसके लिए आपको पहले से अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने एयरलाइंस के साथ, फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती है। टर्मिनल 3 में स्मोकिंग जोन भी है, गेट नंबर 15 में। मैं स्मोक नहीं करता हूँ लेकिन जब मैंने मुंबई का वीडियो डाला था, डिटेल्ड वीडियो, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या आप यहाँ पे स्मोकिंग जोन है या नहीं है, तो मैं उसको उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। बट टर्मिनल 3 के अगर आप डिपार्चर में जा रहे हैं तो गेट नंबर 15 के पास स्मोकिंग जोन है। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पे मेदांता मेडिसिटी के थ्रू डॉक्टर्स दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे गार्जियन फार्मेसी है जो कि एयरपोर्ट में 24/7 लोकेटेड है अपने अपने जगह पे। यहाँ पे आपको पैसेंजर्स को जो है वो वेलनेस और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन, आयुर्वेदा, वाइटामिंस और पर्सनल एंड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए जैसे कि व्हीलचेयर, तो टर्मिनल 1 में ये गेट नंबर 8 के पास लोकेटेड है, टर्मिनल 2 में ये गेट नंबर 1 डिपार्चर में लोकेटेड है और टर्मिनल 3 यानी कि जो आप एयरपोर्ट में अभी देख रहे हैं वीडियो, अगर आप टर्मिनल 3 में हैं तो गेट नंबर 1 और 8 डिपार्चर में व्हीलचेयर असिस्टेंस फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। आज ये एयरपोर्ट जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली है, यानी कि पूरी की पूरी जो टर्मिनल की बिल्डिंग है उसमें आप व्हीलचेयर से किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं, प्लस यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो आपके स्पेशल नीड्स के लिए बने हुए हैं, व्हीलचेयर के साथ आप टॉयलेट्स में भी जा सकते हैं, प्लस जितने भी यहाँ पे चेकिंग रो हैं वहाँ पे डेडिकेटेड स्पेशल असिस्टेंस काउंटर भी बने हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको दिल्ली के ट्रैफिक जैम से बचना है और टर्मिनल 3 या टर्मिनल 1 जाना है एयरपोर्ट का, तो आप मेट्रो का यूज़ करके जा सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दोनों ही टर्मिनल के साथ मेट्रो की। पूरा एयरपोर्ट ही वाईफाई जोन है और यहाँ पे एटलीस्ट आप हाफ एन आवर के लिए वाईफाई यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसके बाद भी आपको वाईफाई चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, चाहे आप दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं बाहर से आप दिल्ली आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना है तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है, तो आपके कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए मूविंग वॉकवेज बनाया हुआ है सारे एयरपोर्ट में। यही सोच रहा था, आ रहे हैं या जा रहे हैं आप ये ऑटो वॉक या मूविंग वॉकवे या उसको ट्रैवलेटर भी बोल सकते हैं या ट्रैवलेटर भी बोल सकते हैं, खुद भी चल भी रहे हैं, यूज करके आप ज्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर कर सकते हैं। लेकिन कम से कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं, आप जब एयरपोर्ट में एंटर कर जाते हैं चेक इन के बाद सिक्योरिटी जो आप ले सकते हैं जैसे बैंकिंग बिजनेस और फ्री वाई फाई इंटरनेट कनेक्शन है, ड्यूटी फ्री आउटलेट्स है, आपका अगर लगेज छूट जाता है या लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन है तो बाद में आके वो लगेज भी कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन काउंटर्स है, एयरलाइंस के काफी सारे लाउंजेस हैं, फूड ड्रिंक और काफी सारे रिटेल शॉप्स मिलेंगे और इनफैक्ट आप जब तक बोर्डिंग गेट तक जाते हैं आपको बीच बीच में और भी रिटेल शॉप्स और छोटे छोटे फूड आउटलेट्स या ड्रिंक्स सब कुछ मिलते हैं, छोटे छोटे कियोस्क लगे हुए होते हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ के जो लॉन्जेस हैं उसके बारे में बताता हूँ, तो एयर इंडिया लॉन्ज है जिसका नाम है महाराजा लॉन्च, ये डोमेस्टिक डिपार्चर्स और इंटरनेशनल डिपार्चर्स दोनों के लिए है, ऑलवेज वीआईपी गेस्ट सर्विस, इसका भी लोकेशन डोमेस्टिक अराइवल्स और इंटरनेशनल अराइवल में है। आईटीसी ग्रीन लॉन्च, इसका जो लोकेशन है वो इंटरनेशनल डिपार्चर एयर साइड और ये 24 आवर्स ओपन रहता है, ITC ग्रीन लाउंज 24 आवर्स ओपन रहता है। प्लाजा मैप एंड शार है, इसका जो लोकेशन है वो डोमेस्टिक के अराइवल्स में है और इंटरनेशनल के अराइवल में है। प्लाजा प्रीमियम है, इसका डोमेस्टिक डिपार्चर में लोकेशन है। जो DMX प्लैटिनम लाउंज है वो भी डोमेस्टिक डिपार्चर में, शावर मसाज लाउंज है डोमेस्टिक अराइवल लेवल पे, सिल्वर क्रिश लाउंज है ये सिंगापुर एयरलाइंस का लाउंज है। अच्छा। तो इतने सारे लाउंजेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी हैं और बिल्कुल पास में आई थिंक बाई 3 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे एरो सिटी है, तो एरो सिटी का भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऊपर लिंक है मैं वहाँ पे दे दूंगा, वीडियो के एंड में दे दूंगा। जो मुंबई एयरपोर्ट का मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक भी इस वीडियो के लास्ट में मैं जरूर दे दूंगा कि आप देखिए कि मुंबई एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, अपने गेट पे जाके मैं फ़्लाइट पकड़ूँगा अपने डेस्टिनेशन के लिए और उसके बाद का जो वीडियो है उसमें जब मैं अराइव करता हूँ वापस
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जब मैं आता हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद, तो मैंने वहाँ का वीडियो बनाया है। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि जब आप अराइव करते हैं आप, तो अराइवल में कैसा दिखता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, अब मैं आपको वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये सेक्शन जो था अभी तक जो आप देख रहे थे, या डिपार्चर का सेक्शन था, इस सेक्शन में हम जाते हैं फ्लाइट पकड़ के अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए। अब मैं आपको अराइवल सेक्शन के वीडियो दिखाऊंगा टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का। अच्छा, अब अराइवल वीडियो टर्मिनल 3 का अराइवल सेक्शन है। जब आप वापस आते हैं दिल्ली कहीं से फ्लाइट लेके, तो इस सेक्शन के थ्रू जाते हैं। फिलहाल ये क्योंकि मैं इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आया था, तो ये इंटरनेशनल अराइवल सेक्शन है। मैं जब चेक करूँगा तो वहाँ पे इमिग्रेशन चेक होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप नीचे देख सकते हैं कि ये इमिग्रेशन चेक के काउंटर्स लगे हुए हैं। जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे इमिग्रेशन चेक करना होता है, उसके बाद कस्टम एरिया से होकर आपको गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और वहाँ पे इमिग्रेशन चेक करवाऊँगा अपना क्लियर, और उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या है। फिलहाल नीचे चलते हैं और इमिग्रेशन चेक काउंटर। यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए अलग काउंटर है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे हैं तो आपके लिए अलग काउंटर है। अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं, आपके साथ कोई बच्चा है, या आप सीनियर सिटीजन हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, आगे बैठे होते हैं, तो आपके लिए अलग काउंटर है। आपको लंबे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी कंप्लीट कर दिया जाता है हम लोगों के लिए। देखो ना कितने काउंटर को प्रॉब्लम ना हो। सैमसंग गैलेक्सी आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी फोन से मैं ये वीडियो भी कोई साइन होंगे ये तो इमिग्रेशन को क्रॉस करके धर्म से या उससे इस सेक्शन में ये ड्यूटी फ्री सेक्शन है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हैं तो यहाँ से आप ड्यूटी फ्री सेक्शन से परचेस कर सकते हैं परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे जो कुछ भी है वो टैक्स फ्री होता है बिल्कुल। और जो मार्केट रेट है उससे काफी सस्ता होता है। तो नॉर्मली लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करते हैं जरूर। और यहाँ से शॉपिंग ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग नहीं कर सकता। हालांकि क्योंकि ये इंटरनेशनल अराइवल है तो यहाँ पे सबके पास पासपोर्ट होगा, जो यहाँ पर तो सब यहाँ पे शॉपिंग कर सकता है। बिल्कुल, मैं तो लाजमी शॉपिंग करूँगी यहाँ से। टैक्स भी नहीं है, मुझे बहुत बड़ा है और दुनिया के तकरीबन सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। दुनिया के सारे ब्रांड्स वही तो मैं वही तो कह रही हूँ। बॉडी शॉप यहाँ है, मैंने अभी देखा कुछ यहाँ है, शनैल वाइन्स, ये शनैल बहुत ह्यूज है और बहुत सुंदर है, बहुत ही खलास, बहुत ही सफाई। गुची गुची 50% ऑफ। जहाँ पे आप कन्वेयर बेल्ट के पास जाके अपने लगेज को कलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा जो सेक्शन है ये लगेज का सेक्शन है। यहाँ पे अलग अलग नंबर्स होते हैं कन्वेयर बेल्ट के, आप डिस्प्ले बोर्ड में देख सकते हैं कि आप जिस फ्लाइट से आए हैं उस फ्लाइट का कन्वेयर बेल्ट कहाँ पे है, जहाँ पे आपका लगेज आएगा, या आपको फ्लाइट में ही अनाउंसमेंट करके बता दिया जाता है कि आपका कौन सा कन्वेयर बेल्ट नंबर होगा। आप उस कन्वेयर बेल्ट नंबर के पास जाके अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं। मनी एक्सचेंज फैसिलिटी है यहाँ पे, कैब्स है, मेट्रो है कनेक्टेड, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए। क्लियर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं हर जगह पे, हर जगह पे डिस्प्ले क्लियर है, काफ़ी साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है, टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन है, आपको यहाँ पे गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ़ लगेगा, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये इंफॉर्मेशन काउंटर है, यहाँ पे जाके आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एयरपोर्ट के बारे में या एयरपोर्ट के बाहर के बारे में तो आप वो पूछ सकते हैं। यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये अराइवल का सेक्शन दिखा रहा हूँ जहाँ से आप लगेज हैं। ये ट्रॉलीज़ हैं तो ट्रॉलीज़ को ऐसे ले जाते हैं इकट्ठा करके। इस सेक्शन में आगे चलेंगे तो आपको कस्टम क्लियरेंस करना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस के बाद
आप जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ से आप इस सेक्शन से आप कैब बुक कर सकते हैं। आप यहाँ से और भी शॉपिंग करना चाहें, अगर कुछ भूल गए आप शॉपिंग करना पहले, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एटीएम्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे कैब बुकिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं छोटे छोटे, यहाँ पे फूड काउंटर्स हैं, यहाँ पे अगर आपको भूख लगी है आप कुछ खाना चाहते हैं तो वो सब फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। और अगर आप चलते चलते थक गए और रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेयर्स भी लगे हुए हैं जहाँ पे आप जाकर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको एयरपोर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल 3 में आए हैं या आने वाले हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जी जनाब, ये था दिल्ली एयरपोर्ट, बहुत बड़ा, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और एयरपोर्ट कम शॉपिंग सेंटर ज़्यादा, या लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, लेडीज़ ज़्यादा आती सफ़र करती हैं। मुझे दिल्ली नहीं है, 50% ऑफ है। नहीं, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र करना है, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र करना है। अच्छा, पता नहीं है कि जितने का टिकट नहीं, जितने का सफ़र नहीं, उतना खर्च होने वाले हैं। हाँ, शॉपिंग में बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आया। नहीं, बात तो वो भी नहीं है, शॉपिंग की नहीं है, वैसे भी बहुत प्यारा है, बहुत ही साफ सुथरा। अच्छा, जब वो चलते जा रहे थे मैं तो सोच रहा था कि कोई बुजुर्ग टाइप के लोग होंगे तो वो तो बेचारे थक जाते होंगे तो वो आपको उन्होंने दिखा तो दिया तो फिर वो चलने का भी ज़बरदस्त, यार ज़बरदस्त, बहुत ही आला, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अच्छा, एक चीज़ जो थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कि हमारा अपना वास्ता पड़ा है कराची एयरपोर्ट से। कराची एयरपोर्ट पर आप इस तरह से जैसे कैमरे और मोबाइल और ये वो वीडियोस बना रहे हो, अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपको फौरन सिक्योरिटी आ जाएगी और फौरन पूछेगी क्यों बना रहे हो वीडियो, क्या है, क्या मसला है, क्या। तो मैंने ये देखा कि इमिग्रेशन काउंटर तक वो वीडियो बना रहा है, बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज बात है। और आपने देखा उसने दोनों चीज़ें कवर करी, डिपार्चर भी, अराइवल भी, लेकिन बनाते हैं मेरे ख्याल में एक हद तक बनाते हैं जहाँ पे लोग किसी को रिसीव कर रहे होते हैं या फिर, लेकिन ये कि अंदर तक की वीडियोस बनाना, तो ये मैं कहता हूँ कि इंडिया में ये अलाउ है या पता, और चलते चलते ये बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये कि मैंने देखा अक्सर वीडियोस में कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का रुझान हो चुका है कि एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे हम लोग मेट्रो की वीडियोस देखी हैं दिल्ली में, मैं आपको ही बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं यूनिवर्सिटी से मतलब जब आ रही थी घर, तो मैंने बीच में हमारी सारी फ्रेंड्स ने मतलब शॉपिंग का प्लान बनाया, तो हम चैस गए शॉपिंग करने। चैस का तो आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है यहाँ पे मॉल है। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने मोबाइल निकाल के सेल्फी लेने के लिए अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मोबाइल निकाला, तो फौरन आकर मुझे मतलब मना करा और मेरा मोबाइल लेकर, मोबाइल लेकर, हाँ, उसमें से डिलीट करी बकायदा, जो एक दो स्नैप्स हम ले चुके थे वो डिलीट करी उन्होंने। और इतनी रिस्ट्रिक्शंस, मैंने बोला मॉल के अंदर, फिर आप तो एयरपोर्ट की बात करें, मैं मॉल का बता रही हूँ आपको, क्यों, वजह क्या बताया उन्होंने, मुझे नहीं, वहाँ पे क्या अलाउ नहीं है, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी पर्पस है, क्या है क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। तो मैंने अक्सर इंडिया के व्लॉग्स वगैरह देखे हैं तो इतना कोऑपरेट कर रहे होते हैं वो लोग, वो कहते नहीं बहुत हेल्पफुल है। पिछले वीडियो में आपने देखा तेजाज एक्सप्रेस कितना कोऑपरेट कर रहे थे वो लोग, और यहाँ का देखा है आप, ये शख्स पूरी दिल्ली मेट्रो की, दिल्ली एयरपोर्ट की वीडियो बना रहा है, आप यकीन करें फौरन आ जाते हैं, फौरन आ जाते हैं, फौरन। अच्छा, एक मरतबा एक ऐसा हुआ कि एक फिल्म का सीन था जो शूट करना था, तो उस फिल्म के सीन के लिए इमिग्रेशन काउंटर दिखाना था, बिल्कुल, पता है हमें कितने, जो पूरा स्टाफ था ना हमारा, कम से कम भी 25 से 30 लोग, 10-12, तो उसमें से कम लोग सेलेक्ट किए गए, 7-8 लोग सिर्फ उन्हीं के NIC अंदर गए, ठीक है, जिसे आधार कार्ड कहते हैं इंडिया में, तो उनके NIC अंदर गए, तो वहाँ पर हफ्ते, हाँ, आईडेंटिटी कार्ड, हाँ, तो वो बाकायदा एक हफ्ते बाद हमें परमिशन दी गई कि हाँ भाई ठीक है आप लोग आ सकते हो, वो भी सबके सिलेक्टेड पीपल, उसमें से भी बड़े इश्यूज़ हुए हैं कि ये थोड़ा मशकूक लग रहा है, तो ये यूँ लग रहा है, तो दो बंदों को, हाँ हाँ मुझे नहीं, लेकिन ये कि ENG डिपार्ट होता है, ENG डिपार्ट होता है, लाइटिंग वाले होते हैं, कैमरे वाले होते हैं, लेकिन एक बात तो 7-8 लोगों को जब 25 लोगों का काम था तो फिर बहुत मुश्किल हुई होगी। नहीं नहीं, छोटा सा सीन था, मतलब एक स्टैंप लगनी थी, एक लड़की है वो एयरपोर्ट से एग्जिट कर रही है, आ रही है वापसी, तो छोटा सा एक सीन था, उसमें इतना बड़ा मसला भी नहीं था, तो मीडिया से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं कि एक छोटा सा कट लेना है इमिग्रेशन काउंटर का, तो उसमें 6-7 लोग, DOP कैमरामैन डायरेक्टर वगैरह चंद लोग थे, ठीक है, तो उसमें भी बाकायदा चंद लोगों की इजाज़त दी गई, फॉर्मेलिटीज़ बहुत मसले मसाइल, ठीक है। तो मतलब मैं इस इन शख्स की वीडियो बनाते हुए देख रहा हूँ तो मुझे हैरत है कि वहाँ पर इतना कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को, इंडियन को बताता चलूँ
यहाँ पर आप जैसे इन्होंने बता दिया तो मुझे और हैरत हो रही है। मैं आपको पता है मैं शॉक्ड हो गई थी। मैं आधे घंटे तक सोच रही थी कि इन्होंने मतलब मना करा तो क्यों करा। अच्छा ऐसा भी नहीं कोई हमारे साथ मतलब कोई जेंट्स नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि हम जेंट्स के साथ पिक्चर्स या इस तरीके से वो हिजाब की वजह से ऐसा इशू भी नहीं था। अच्छा एक चीज होती है कि आप उनकी एक न्यूज़ वाले होते हैं या उनकी कोई ऐसी चीज़ों की वीडियो बना रहे होते हैं जो खराब है। मिसाल के तौर पे आपने उनकी कोई सामान की वीडियो बना ली, पुराना हो चुका है, डेट एक्सपायरी है, बेच रहे हैं, कुछ ऐसा होता है तो वो कह सकते नहीं नहीं आप क्यों बना रहे हो। ये सेल्फ पे खड़े होकर मतलब उसके अंदर पीछे जो बोर्ड्स वगैरह लगे थे जो मतलब जो एडवर्टाइजमेंट था वो सब भी नहीं आ रहा था, सिर्फ हम आपस में तीन फ्रेंड्स सेल्फी ले रहे थे तो उस पर उन्होंने फौरन डिलीट कर दी। खैर ये तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक इशू है, उनकी वीडियो देख के मुझे हैरत हुई। लेकिन बात हो रही थी दिल्ली एयरपोर्ट की, वो तो बहुत कमाल का है, मतलब कमाल सफाई सुथराई बहुत आला, बहुत खूबसूरत, अच्छा चमकता है, चमक रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एयरपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है बल्ला की इन्वेस्टमेंट है, बल्ला की। बिल्कुल बिल्कुल, और कई एयरलाइन का 1-2 करोड़ की बात नहीं है, कई एयरलाइन का हब है, कई एयरलाइन का वही जंक्शन है, इंडिगो वगैरह सबका हब, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एयरपोर्ट्स एयरलाइंस होती है उनका हब ही है ये। 2017 के 15 में उसको वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का 17 में एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला। बहुत अच्छा, दुनिया में कैसे कैसे एयरपोर्ट्स होंगे बिल्कुल, और अगर उनमें 2-3 साल 4 साल पहले अगर किसी को दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट का दिया जाए तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और डिजर्व भी करता है। स्मोकिंग जोन है, होता है ना कि आप कहीं भी स्मोकिंग कर रहे हैं तो दूसरे डिस्टर्ब होंगे, तो नहीं भाई स्मोकिंग यही अलग कर दिए कि आप लोग आपका स्मोकिंग कर मसाज ले सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप मतलब एयरपोर्ट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग सब अवेलेबल, बात ले सकते हैं आप, मतलब आप बहुत आला शॉपिंग है, सब कुछ है, फूड कोर्ट है, बहुत फैसिलिटी, ये चीज़ें तो वैसे मैंने ये देखा है, सिर्फ ये नहीं कि शो शॉप ही नहीं, इसके अलावा और दूसरी चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट की। अच्छा काउंटर भी बहुत ज़्यादा बनाए गए हर तरह के ताकि आपको टाइम वेस्ट भी ना हो, और ये बहुत होता है। जैसे कि आप इंडियन हैं तो आपके लिए अलग है, इसके अलावा दूसरे पर्टिकुलर कंट्रीज के अलग अलग लोग हैं तो उनके लिए अलग है ताकि रश ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे हम पाकिस्तानियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट वाकई शॉकिंग एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ़ की जाए जितना बताया जाए कम है। और ये एयरपोर्ट जो होता है दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ पे ज़्यादातर जो है फॉरेन कंट्री से लोग आते होंगे तो ये आपके मुल्क की पहचान है, इंटरनेशनल वो अराइवल में आपको दिखा रहे थे ना कि इंटरनेशनल। और सबसे पहले कोई भी बाहर का बंदा आता है, आप किस सरजमीन पे कदम रखता है वो क्या होती है एयरपोर्ट, वही आपकी आला तरीन खूबसूरत इमेज बना लेता है, एक इमेज बन जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई इंटर होगा तो इंडिया के बारे में क्या इमेज होगा उसका, मैं कहता हूँ सुपर पावर वाला इमेज होगा, कि यानी कि मैं किसी ऐसी धरती पे कदम रखा है जो एक सुपर पावर है, बहुत ही मतलब डेवलप्ड कंट्री है, बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इमेज पड़ता हूँ। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।